ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में एक के बाद एक हो रहे सड़क हादसे सरकारी मशीनरी पर कई सवाल खड़े करते हैं। कुछ दिन पहले राजधानी जयपुर में एक ट्रेलर के पलटने की खबर सामने आई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर सड़क जमीन में धस जाती है और ऑटो रिक्शा उसमें समा जाता है। जालौर में एक बस बिजली के तारों से टकराती है और आग लगने के कारण 6 लोगों की मौके पर ही जलने से मौत हो जाती है। प्रदेश में रोड एक्सीडेंट जैसी घटनाएं आम हो चली हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के टोंक जिले में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देर रात तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर और जीप के बीच टक्कर हुई, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे थे। रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर टोंक जिला मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूर सदर थाना इलाके में यह एक्सीडेंट हुआ। बताया जा रहा है कि ये लोग रात करीब 9:30 बजे खाटू श्याम जी से रवाना हुए थे। यह परिवार एक बड़ी जीप में सवार था। रास्ते में टोंक के पास एक पुलिया पर श्रद्धालुओं की इस जीप को पीछे से आ रही ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे जीप पुलिया की दीवार और ट्रेलर के बीच में फंस गई। इस हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया और ट्वीट करते हुए कहा कि खाटू श्याम जी से मध्य प्रदेश अपने शहर लौटते समय टोंक में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की जान चली गई है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। इस कठिन समय में वे मजबूत रहें और उन घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस घटना पर दुख जताया और कहा कि टोंक में खाटू धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार व ट्रेलर की हुई भिड़ंत में 8 लोगों की मृत्यु होने का समाचार हृदय विदारक है। मैं ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति, घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ तथा परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करती हूं। तो राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि टोंक व भरतपुर जिले में विभिन्न सड़क हादसों में 12 लोगों के काल कल्वित होने का दुखद समाचार मिला है। मैं इस हृदय विदारक हादसे में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे तथा शोकाकुल परिजनों को धैर्य व संबल प्रदान करे। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटना को हृदय विदारक बताया। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के परिवार के 8 सदस्यों की राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर लौटते समय एक भीषण दुर्घटना में हुई मृत्यु की खबर बेहद दुखद है। परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करे। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुख जताया और कहा, राजस्थान के टोंक के पास हुए भीषण सड़क हादसे में खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर के श्रद्धालुओं के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति दे। आपको बता दें कि हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। घायलों की स्थिति नाजुक होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है, जबकि 3 साल की एक बच्ची की चोट तक नहीं आई है। हादसे के बाद ट्रेलर का चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। जीप का चालक बच गया, लेकिन वह भी फरार बताया जा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।